हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मोहित जी के ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे जो रेलवे, एसएससी, नेवी, कोस्ट गार्ड हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली सभी वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है ए तांबा, बी चांदी, सी एल्कोहल, डी पारा। आपको 5 सेकेंड देते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपना आंसर जिससे हम जान जाएं कि आपको कितना सही है कितना गलत है। ओके, 5 सेकंड हो गया दोस्तों। इसमें ये आपका बी ऑप्शन सही है, चांदी। ये आपका बी ऑप्शन चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। थर्मस तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि ए उसमें गैसें भरी होती हैं जो ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं, बी उसमें आंतरिक तापन प्रबंधन होता है, सी चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने या प्रविष्टि नहीं होने देती, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सी ऑप्शन आपका सही है, चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी या दीवारें ऊष्मा को निकलने या प्रविष्टि होने नहीं देती हैं। सी ऑप्शन आपका सही है, यही ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तीसरा, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप है ए -273 सेल्सियस, बी 0 सेल्सियस, सी 300 सेल्सियस, डी 1 सेल्सियस। बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, 5 सेकेंड देते हैं आपको। इसमें ए -273 सेल्सियस ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन। चार, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राहक होता है क्योंकि ए गैसों में द्रव की अपेक्षा अधिक ऊष्मीय प्रसार होता है, बी गैसें आसानी से अपनी दशा को नहीं बदलती, सी गैसें बहुत हल्की होती हैं, डी गैसें सरलतापूर्वक रहती हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, 5 सेकंड देते हैं आपको। इसमें ए ऑप्शन आपका गैसे द्रव में की अपेक्षा अधिक उसमें प्रसार होता है, इसमें ए ऑप्शन आपको सही है, ये ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है ए समुद्र तट पर, बी समुद्र की गहराई में, सी शिमला में, डी माउंट एवरेस्ट एक प्रयास किया जाए। तो बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन जरूर बताना, 5 सेकंड देते हैं आपको। इसमें डी ऑप्शन सही है, माउंट एवरेस्ट एक प्रयास किया जाए। इसमें डी ऑप्शन, यहाँ चावल को पकाने में अधिक समय लगता है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। न्यून तापमानों का अध्ययन कहा जाता है ए हाइपोथर्मीमेट्री, बी क्रायोजेनिक, सी कार्टोग्राफी, डी मेट्रोलॉजी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। आपको 5 सेकंड देते हैं दोस्तों। इसमें ये क्रायोजेनिक, इसमें बी ऑप्शन आपका ये सही है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। 7, ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ क्यों गिरती है ए ऊंची पहाड़ियों पर कुछ गैसें जलवाष्प को जमा कर देती हैं, बी बादल पहाड़ियों पर धरती के पास होते हैं अतः जलवाष्प बर्फ बन जाती है, सी ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसमें ये आपका सी ऑप्शन सही है, ये ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, ये आपका सी ऑप्शन सही है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। 8वां, केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है ए 280, बी 290, सी 300, डी 310। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, 5 सेकंड देते हैं आपको। हाँ दोस्तों, इसमें डी ऑप्शन आपका सही है, 310 आपका जो हो
कमेंट सेक्शन जरूर बताना। नौवां क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम होता है। ए 4 सेल्सियस, बी -4 सेल्सियस, सी 0 सेल्सियस, डी -273 सेल्सियस। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हो गया दोस्तों 5 सेकेंड, इसमें ए ऑप्शन सही है आपका 4 सेल्सियस। 10वां क्वेश्चन, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ए गलन, बी संवहन, सी विकिरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप दोस्तों बताना कमेंट सेक्शन में। इसमें सी ऑप्शन सही है आपका विकिरण। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, पारा तापमापी किस ताप तक मापन में प्रयुक्त होते हैं। ए 100 सेल्सियस, बी 212 सेल्सियस, सी 300 सेल्सियस, डी 500 सेल्सियस। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है 300 सेल्सियस, ये आपका सी ऑप्शन सही है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, 11 हो गया। 12वां क्वेश्चन, 12वां, कमरे में रखे हुए एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंडा हो जाएगा। बी कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा। सी कमरा धीरे धीरे गर्म होगा। डी कमरे में वायु का ताप अपवर्तित रहेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों आप कमेंट जरूर बताना। बताते हैं दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन सही है आपका कमरा धीरे धीरे गर्म होगा, ये आपका सी ऑप्शन सही है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, 13, मानव शरीर के रक्त में सोना गोल्ड कहाँ पाया जाता है। बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों ये आपका बी RBC, ये वाला आपका ऑप्शन सही है, RBC में पाया जाता है गोल्ड। चलते हैं अगला क्वेश्चन, मानव के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। पहला ए 11, बी 10, सी 12, डी 14। बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें डी ऑप्शन आपका सही है, इसमें 14 हड्डियां होती हैं। 15वां क्वेश्चन, मनुष्य के मरने के बाद शरीर का कितना वजन घटता है। ए 20 ग्राम, बी 500 ग्राम, सी 21 ग्राम, सी 1 किलो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। इसमें सी ऑप्शन सही है आपका, 21 ग्राम, 21 ग्राम घटता है मनुष्य के मरने के बाद। चलो ठीक है, चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं, कुछ देर के लिए बाय।